अब पहले क्या था कि गुरुकुलों में ऋषि मुनि जब सब चाहे राजकुमार हो चाहे किसी गरीब का बालक हो समान भाव से शिक्षा दी जाती थी। आज हमारे यहाँ कई अधिकारी आए शिक्षा के जो माध्यमिक हाँ उच्च ऐसे उनसे हमने प्रार्थना की कि आज हमारी जो आधुनिक शिक्षा है उसमें अध्यात्म शिक्षा जोड़ी जाए क्योंकि बिना अध्यात्म शिक्षा के जो शिक्षा है वो निष्प्राण है। जैसे ये आधुनिक पढ़ाई है ना ये शरीर है और जो अध्यात्म है ना उसका प्राण है। अगर ब्रह्मचर्य की शिक्षा नहीं है तो वो व्यभिचार में उतर जाएगा। उसको व्यसन रहित कैसे बनना है उसको राष्ट्र सेवा कैसे करनी है उसको कैसे एक महाभागवत बनना है वो कैसे माता पिता समाज की सेवा करे ये अध्यात्म के ज्ञान के बिना पुष्ट नहीं हो सकता। क्योंकि जो आधुनिक विद्या है वो केवल स्वार्थ सिखाती है खुला समझ बाद में रोना होता है उनको कि मेरी संपत्ति मेरे बच्चों ने छीन ली और धक्का मार के बाहर निकाल दिया। क्यों? बच्चों का ही दोष नहीं आपका दोष आपने संस्कार ऐसे दिए। आज जब धर्म पूर्वक संस्कार की शिक्षा हो रही तो विरोध कर रहे हैं तो आज नवीन बच्चे अपने माता पिता के सैकड़ों बच्चों में से कौन पैर छूता है? प्रात काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नामे माथा नहीं छूते। बेसमय उठना मनमानी आचरण करना थोड़ा सयाने हो जाना भ्रष्टाचार में उतर जाना अपने ब्रह्मचर्य को नष्ट कर देना अपनी पवित्रता को खो देना और मनमानी आचरण। अब वो बच्चे जब सयाने होंगे तो माता पिता का स्वागत कैसे करेंगे? ये माता पिता नहीं समझ रहे कि अगर आज हम धर्म विहीन उनको आचरण शिक्षा देते हैं वही कल हमारे साथ बर्ताव होगा। बड़े बूढ़ों को लातों से मार रहे देखा गया है बड़े बूढ़ों को घर से निकाल दिया गया है।